अज प्रेस कॉन्फ्रेंस असी हुशियारपुर जिले के अंदर जिहड़ियां कैटल शेड्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दीआं गाइडलाइनां अनुसार 2018 दे विच जिहड़ियां गाइडलाइनां आईआं उहनां अनुसार जिहड़ियां कैटल शेडां बणीआं उहनां दे विच हुशियारपुर जिले के अंदर बहुत वड्डा घपला होया और ये स्कैंडल आ और असी आर टी आई की इनफॉर्मेशन लैके सारा उस स्कैंडल नूं अनअर्थ किया। कारण ये आ कि बहुत सारे पिंडां दे विच कैटल शेडां बणीआं 6 पशु और 4 पशुओं तक बनिया सीगियां और बहुत सारे पिंडां दे विच खास करके ब्लॉक 1 दे विच और बी डी पी ओ जेई और जी आर एस टी मिली भुगत दे नाल सरपंच दी मिली भुगत दे नाल वो बहुत सारे व्यक्ति जिहड़े कि लैंडलॉर्ड सीगे उन्हां दीआं कैटल शेडां बनाउण लई उन्हां दे जॉब कार्ड एस सी लिख के जॉब कार्ड रातों रात जॉब कार्ड बनाते ते उन्हां दीआं कैटल शेडां अपलाई करातियां और उन्हां नूं लाभ भी लैके देता जदों कि एज पर गाइडलाइन ये 3 महीने दे विच कैटल शेड कंप्लीट होनी सी। असी हुण आर टी आई इनफॉर्मेशन फिर कलैक्ट की आ वो हले भी कह रहा है भाई ऑन गोइंग है कैटल शेड। बहुत सारे लोगों को पशु भी नहीं सी ना 4 से ना 6 जिन्हां दीआं कैटल शेडां बन गईआं। बहुत सारे लोगों ने इंज भी किया कैटल शेड बना ली लेकिन उन्होंने अपने घर के बच्चे कैटल शेड न मिक्सअप कर लिया और गवर्नमेंट का भी फर्ज बनता सी गाइडलाइन लिखा कि बी डी पी ओ ए डी साहब डिवेलपमेंट तो डिप्टी कमिश्नर ने इस चीज़ की मोनीटरिंग करनी सी फिजिकल वेरीफिकेशन करनी सी बाकी जिहड़ियां कैटल शेड आ प्रोपर कमले बनिया जिस कमले गवर्नमेंट ने बनाईया पर जिस कमले गवर्नमेंट ने कैटल शेडा बनाईया वो कैटल शेडा की उस कमले वरतों नहीं हो रही अपने वो निजी कमले वरतों कर रहे हैं। एक तलवंडी राइया के सरपंच ने भी अपनी कैटल शेड आपे बना ली फिर लाभ भी ले लिया और उत्थे नेगा का काम किया भी दिखाता जदों के काम नेगा का किया कोई नहीं है। इस तरह जिहड़ा स्कैंडल आ ये कैटल शेडा का असी अनअर्थ किया जिहड़ा कि 2006 पशुओं तक कैटल शेड सके उन्होंने 97,000 रुपया सरकार ने देना सगा तो बाकी उन्होंने उन्होंने कुछ मटीरियल का पैसा सगा उस फिक्स करना तो जिहड़ा कि वह बी डी पी ओ ने इन्हों की फिजिकल मोनीटोरिंग भी की आ तो झूठे कागजात दस्तखत करके गवर्नमेंट नूं भेज दिता। जिदा का गवर्नमेंट नूं थल्लों डाटा जाता उदा का गवर्नमेंट जिहड़ियां इकनोमिक पॉलिसीज तय करती है उपर उदा रिजल्ट फिर थल्ले नूं आता तो असी भी चाहते हाँ भी जेडे जनरल कैटागरी वाली जिहड़ियां कैटल शेड लोगों ने बनाईया जां तां हुण एस सी का सर्टिफिकेट बना असी उन्हां तों पुछया कि तुसीं एस सी का सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करो और जे बी डी पी ओ साहब ने यह इनफॉर्मेशन ना दिती ना इतने कोई कार्रवाई की असी नैक्सट वीक हाई कोर्ट जनहित याचिका एक फाइल कर रहे हैं समेत रिकॉर्ड ताकि असी चाहवांगे भी इस चीज़ को चंगी तरह एक्सपोज किया जाए जिहड़े लोगों ने जनरल कैटागरी वाले ने एस सी लिख के लाभ लिया और बी डी पी ओ साहब ने उन्होंने दस्तखत आ और जेई दे दस्तखत आ सरपंच की मोहर लगी हुआ तो उन्होंने विरुद्ध कार्रवाई कराने लिए असी मानयोग हाई कोर्ट का दरवाजा खड़कान हो जा रहे हैं क्योंकि असी बहुत सारिया इन्हों रिप्रजेंटेशन जिला पद्धर से दे चुके हैं ए डी साहब दे चुके हैं डिप्टी कमिश्नर भी दे चुके हैं डॉक्टर रजोत को भी दे चुके हैं मिस्टर जिंपा जी ने भी दे चुके हैं रिप्रजेंटेशन पर अज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इस करके असी प्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपने वालों जिन्होंने लगता है भाजपा जी सरकार की मतलब शहर नाल ही सारा काम हो रहा क्योंकि सरकार को पता नहीं थी बार बार दस्या भी है जिंपा जी ने डॉक्टर रजोत जी फिर भी कोई एक्शन लिया गया ये सारा कुछ सरकार की शह के नाल हो रहा जेडे विधायक है उस इलाके के उन्होंने सारा कुछ पता है ही नोज ए टू जैड उन्होंने कंप्लीट पता उन्होंने लिख के दिता उन्होंने ऑनलाइन ये डाटा पिया हरेक डाटा बंदा चेक कर सकता हरेक विधायक जी तो पर्चियां बन रहे पिया देखो इन्होंने पिंडा में इदा होया पर कार्रवाई नहीं करा रहे। फिर दूसरी गल आ अपने चेहत्या ऑफिसर जेडे इन्होंने अपने नेड़े दे आ उन्होंने लिया रहे आ उदों तक इलाके कोई काम नहीं हुंदा जब तक कोई MLA उन्होंने जस्ट नहीं करता ये बहुत बड़ी सरकार की अनगहली आ नलायकी आ और गलत आ इग्नोरेंस भी आ मिसगवर्नेंस भी आ जो सिस्टम के अंदर जी की जा रही है। घोटाला सामने आ रहा है ये लखा रुपए का घोटाला आ कैटल शेडा जो नजायज बनदियाँ नैचुरली तौर पर जो कैटल शेड लाभपात्री बनाता वो इन्हों इन्हों जेबा भी गर्म करता तो एसटीमेटड जो साडा अपना है जो लोगों की वॉयस सुन आ रहे हैं प्रति कैटल शेड इन्होंने घट्टो घट भी लगभग 10,000 रुपए के करीब एक इन्होंने मोटा माल छकिया जे एक ब्लॉक 40 कैटल शेडा है तो नैचुरली तौर पर 30-40, 400 कैटल शेडा है तो 40-40, 50-50 लाख रुपया इन्होंने एक ब्लॉक के नैचुरली तौर पर इकट्ठा किया होएगा।